आई होप कि आप सब लोग डाइट कर करके और डाइट का चिकन खा खा के पक चुके हैं। मैं खुद डाइट का चिकन खा खा के बोर हो चुका हूँ, तो हम अपने चिकन को थोड़ा टेस्टी बनाते हैं और उसको डीप फ्रीजर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चिकन लेने से लेकर और कढ़ाई तक पहुंचाएंगे हम चिकन को टेस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं चिकन लेने। देख रहे हैं हम चिकन की शॉप पर पहुंच चुके हैं और ये हमारे चिकन की शॉप है। अच्छा चिकन लेना है तो बाबा शॉप पर आओ, बेस्ट चिकन। मेरे को खुद यहाँ लेते लेते 2 साल हो गए और ये सबसे अच्छा और साफ चिकन यहाँ मिलता है। जब भी आना हो तो आप यहाँ पर बाबा चिकन में ही आए। बाबा, ये बाबा हमारे। तो फाइनली आ गया हूँ घर और साथ में लाया हूँ चिकन और साथ में एग भी ले लिए। बट एग का रेट तो भाई साहब 175 पर डिश, आसमान में पहुँच रहा है रेट। प्रोटीन खाना बहुत मुश्किल हो गया है सच में। तो चलो रेसिपी पे चलते हैं अभी। तो सबसे पहले तो हम चिकन को थोड़ा सा नमक के पानी में डाल कर रखेंगे ताकि इसमें जितना भी स्मेल हो या फिर गंदगी हो थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाए नमक में। इसको हम 5 मिनट नमक के पानी में डाल के रखेंगे, ओनली 5 मिनट। तो हम इसको थोड़ा सा वॉश करते हैं। तो 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल के इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। भाई जैसा कि हमने 5 मिनट के लिए इसको रखा था नमक वाले पानी में, अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि हमारा चिकन एकदम वॉश हो चुका है और एकदम साफ हो गया है, तो उसके साथ हमारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जिसमें क्या हमारा थोड़ा गरम मसाला, चिकन मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दही और थोड़ा सा होममेड मसाले जैसे कि हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई थोड़ी सी। तो इन सबको हम इसमें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा घर का मसाला डालेंगे जैसे कि हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा घर का मसाला हल्का सा, ओके। फिर इसके बाद हम लेंगे इसमें 1 पैकेट दही 100 ग्राम के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अगर घर का बना हुआ है तो वो भी चलेगा, बाकी आप बाहर से भी ले सकते हो। चिकन मसाला, आप कोई भी चिकन मसाला ले सकते हो, मैंने एवरेस्ट के लिए। थोड़ा सा गरम मसाला बाहर का, स्वाद के अनुसार नमक, नमक बहुत जरूरी है, टेस्ट ही मिलेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, तो मैं तो हाथ से ही करूँगा ताकि अच्छे से ये मिक्स हो सके। तो ये मिक्स अच्छे से हो चुका है, आप जो भी बोल दो। तो देख रहे हैं कि आप हमारा ये चिकन एकदम मिक्स हो चुका है। अब इसको हम बॉक्स कर देते हैं, आप एक अच्छा सा बॉक्स में ऐसे रीफ्रीज कर सकते हो। चलिए इसको फ्रीज कर देते हैं। चलिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने चिकन को टेस्टी बनाकर डाइट पर खाएं, क्योंकि हमें डाइट करना है। बट टेस्ट के साथ डाइट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हम बोर नहीं होंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अब हम अगली बार जो करेंगे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि हमें ये चिकन को कैसे अपने मील्स में ऐड करना है, कैसे इसको बॉइल करना है। तो ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।